हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट इक्वेशन क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए रेस टू वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू आर। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। राइट, सेकेंड इक्वेशन क्या था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था? K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ A नॉट बाय AT, वेयर K इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, T इज टाइम गिवन, A नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ए इज रेट कॉन्स्टेंट, टी इज टाइम, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। So we know all the terms K, T, A not AT. This is integrated rate law for first order. Third में क्या आता है? Half life क्या होता है? Simple है, half life। अगर case one, when T is equal to zero, concentration is A. Case 2, when time becomes t half, then concentration of A will be A naught by 2. So now put the value here. So you will get K is equal to 2.303 by t half log of a naught by 2. So a naught and a naught will get cancelled, so it will become 2.303 by t half log of 2. So ye kya ban jayega? K is equal to 2.303 log 2 ka value hota 0.3 by t half. Agar main t half ko main idhar le lu, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। ये फॉर्मूला आपका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स पार्ट सेकंड। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए रेज टू जीरो। कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो होता है तो वो वन होता है, के इंटू वन इक्वल टू के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी ए प्लस बी प्रोड्यूस सी, सो इट डजंट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। सो अपना इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू K, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। तो मैं R को क्या लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, ये आपका इक्वेशन वन हो गया। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दिया। अभी इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो अभी मुझे लिमिट्स लगाना है, तो लिमिट में क्या लगाएंगे, केस वन व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू ए नोट। केस टू व्हेन टी इक्वल टू टी ए इक्वल टू ए टी। So, this is called lower limit, this is called upper limit. So, put the limits, when time is zero, concentration is A naught, when time is T, concentration is A T. Copy कर लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या मिलेगा, मैथ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t। तो इसको अप्लाई करना है इस इक्वेशन में, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dA, a नॉट से at है इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt है, ये माफ कर दीजिएगा यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये dt है, ये टाइम जीरो से ये t। तो अप्लाई इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, माइनस a नॉट a t इक्वल टू k t, जीरो से t, माइनस a t माइनस a नॉट इक्वल टू k t माइनस जीरो। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a नॉट माइनस a t इक्वल टू के टी। तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, a नॉट माइनस ए टी बाई टी। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फोर जीरो ऑर्डर।
इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। तो इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, सी पॉइंट दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा उम्र 100 साल है, 50 साल में जी लिया, तो मैं हाफ लाइफ अपना जी लिया हूं। तो उसी तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो इसका मोल्स 100 मोल्स है, तो 50 मोल रिएक्ट कर गया तो कितना बचेगा, 85 मोल ना। तो इसके जगह पे डालना है केस वन, केस वन में देखिए स्पेशल केस है, पुट ओनली टी इक्वल टू टी हाफ ए टी इक्वल टू ए नोट बाय टू इन फर्स्ट इक्वेशन, सो यू विल गेट के इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाय टू बाय टी हाफ। तो क्या मिलेगा, टी हाफ इक्वल टू टू ए नोट माइनस ए नोट बाय टू बाय के। तो क्या मिलेगा, टी हाफ इक्वल टू टू ए नोट माइनस ए नोट बाय टू। तो टू ए नोट माइनस ए नोट क्या बचेगा, ए नोट बाय टू टी हाफ। ये क्या है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। कॉपी कर लीजिए आप लोग।